प्रश्न छः का ए, 7,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन कितना है यहाँ पे? मूलधन बराबर 7,000 रुपया, मूलधन है 7,000 रुपया, दर है 10%, दर कितना है 10%, और समय है 3 वर्ष। तो मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 7,000, दर है 10% और समय है 3 वर्ष। तो मूलधन के जगह पे 7,000 लिखेंगे, दर के जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि दर 10% है, और समय के जगह पे 3 लिखेंगे, और बटा में क्या आएगा? 100, बटा में 100 है सूत्र में। तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 700 × 3 यानी 7×21 यानी 2,100। 700 × 3 कितना होगा? 2,100। तो साधारण ब्याज होगा 2,100 इसका उत्तर। बी में प्रश्न 6 का बी, 800 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करें। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? मूलधन बराबर है 800 रुपया, समय बराबर 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष, दर बराबर है 5%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ब्याज इसका मतलब हुआ कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन है 800, दर है 5% और समय है 3, बटा 100 लिख लेंगे। 200 से 200 कट गया, कितना बचा? 8×5×3 यानी 8×5=40, 40 × 3=120। तो साधारण ब्याज आ गया 120 रुपया। तो ब्याज और मिश्रधन कह रहा था, तो ब्याज कितना आ गया? 120 रुपया। अब मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है? 800, ब्याज है, ब्याज कितना आया यानी साधारण ब्याज कितना आया? 120। तो 800 और 120 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 920 रुपया।
तो मिश्रधन कितना हो गया 920 रुपया। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, यानी मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दें तो हो जाता है मिश्रधन। तो इसका उत्तर आ गया 920 रुपया। प्रश्न 6 का C, 112.50 रुपया का 1.2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 का C में मूलधन कितना है? मूलधन बराबर 112.50 रुपया, दर बराबर है 1.2%, यानी हो गया 3/2% पूर्णांक तोड़ने पर, तो दर हो गया 3/2%, और समय है 4 वर्ष। समय है 4 वर्ष। तो यहाँ पे ब्याज और मिश्रधन निकालना है। तो ब्याज यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 112.50। गुना दर कितना है? 3/2। समय है 4, और बटा में 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे, देखिए मूलधन कितना है? 112.50, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य आएगा। 112.50 है मूलधन, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, तो ये 100 आ गया दशमलव हटाने पे। अब ये 2 कहाँ से आया? तो दर है 3/2, तो 3/2 लिख लेंगे, 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो 3/2 दर है, इसीलिए 2 यहाँ पे लिख लेंगे 3/2, और ये 100 देखिए, जो 100 यहाँ पे सूत्र में था उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो दशमलव हटाने पे ये 100 आ गया, और 3/2 में 2 था तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और ये सूत्र वाला 100 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 दूना 4, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 1 इधर गया 12 हो गया, तो 5 दूना 10, फिर 2 इधर गया 25 हो गया, 5 5 25, 2 से 2 काट लेंगे, ठीक है। तो 225 को 3 से गुना करेंगे, तो 225 को 3 से गुना करने पे आ गया 675, और बटा में क्या है? 100 है, तो 675 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.75। तो 1 पे 2 शून्य है, यानी 100 से भाग दे रहे हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो कितना हो गया? 6.75 रुपया। तो साधारण ब्याज यानी ब्याज कितना हो गया? 6.75 रुपया। अब निकालना है मिश्रधन, तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 112.50
5.50, ब्याज आया 6.75। तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 119.25 रुपया। तो मिश्र धन कितना आया? 119.25 रुपया। प्रश्न 6 का डी। रमेश ने 7,200 रुपया डाकघर में जमा किया। यदि डाकघर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देता है तो रमेश को 5 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ मूलधन बराबर 7,200 रुपया। मूलधन कितना है? 7,200 रुपया। दर है 8% और समय है 5 वर्ष 4 माह। ठीक है, 5 वर्ष 4 माह। समय कितना है? 5 वर्ष 4 माह। तो देखिए, 5 वर्ष 4 माह को हम पहले वर्ष में बदल लेंगे तो हो जाएगा 5 जोड़ 4/12। 5 जोड़ 4/12 वर्ष। महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भागा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 माह है तो 4 महीना को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो 5 वर्ष ये तो वर्ष में है, 4 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 जोड़ 4/12 वर्ष हो गया। 4 से 12 कट गया 3 बार में, यानी 5 जोड़ 1/3 वर्ष। 3 लघुत्तम लेंगे तो 5 × 15 = 1। तो कितना आ गया? 15 × 16, यानी 16/3 वर्ष। तो 5 वर्ष 4 माह को वर्ष में बदल देंगे तो आ जाएगा 16/3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है? ब्याज, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, मूलधन गुना दर गुना समय 100। तो मूलधन कितना है? 7,200। दर कितना है? 8%। समय है 16/3। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए 100 है तो 100 के साथ 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि समय है 16/3। तो देखिए 16/3 इस तरह से लिखेंगे, 3 कहाँ पे गुना होगा? 100 के साथ। यहाँ पे देखिए 100 है सूत्र में, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए, 3 से 72 कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, यानी 24 × 3 = 72। अब इसको गुना कर लेंगे, 24 × 8 × 16, तो 24 × 8 × 16 करेंगे तो आ जाएगा 3,072 रुपया। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया? 3,072 रुपया। तो रमेश को 5 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 3,072 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।